असल डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ अनुद्दीन केबजई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश विदुद्दीन केब्जई जैसे कि के हमने डिस्कस किया था कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स शुरू करने लगे हैं जो ऑलमोस्ट टू मंथ्स का एक कोर्स होगा जिसमें आप लोग बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक इंग्लिश के डिफरेंट चीज़ें स्टडी करेंगे आज हमारे चूँकि इंट्रोडक्ट्री uh, एक सेशन है तो उसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्हें हम बिल्कुल क्लियर भी करेंगे कि हम अपने इस सेशन को कैसे आगे लेके चलेंगे हमारी ये क्लासेस एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं उनसे काफ़ी हटकर होंगी तो आइए चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ सबसे पहले शुरू करते हैं आप देखिए राइट इन द टॉप कॉर्नर आई है टू डेट्स इलेवन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी नवदीज आर एक्चुअली टू डेट्स दोनों डेट्स अपनी जगह पर ठीक हैं एक डेट जो आपको ऊपर नज़र आ रही है दैट इज द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग डाउन द डेट कि जिसमें वो डे पहले लिखते हैं मंथ बाद में लिखते हैं और यर फिर एंड में लिखते हैं जबकि सेकेंड स्टाइल ऑफ़ राइटिंग डाउन द डेट इज़ एक्चुअली द अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग डाउन द डेट उसमें वो क्या करते हैं वो मंथ पहले लिखते हैं डे बाद में लिखते हैं और फिर ईयर एंड में लिखते हैं अब ये दोनों डेट्स लिखने का मकसद ये था कि इंग्लिश में जनरली जब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं तो कहीं पर आ जाता है कि ये अमेरिकन इंग्लिश है कहीं पर आ जाता है ये ब्रिटिश इंग्लिश है तो एक सिंपल सी चीज़ माइंड में रखें that wherever we talk about english we always follow british style of writing english the reason is british strictly follow the rules and regulations right they are quite formal in their approach towards english language but wherever we talk about the americans right they never follow the rules and regulations

we are starting ELC that is English language course English language course अब इन तीनों words में जो words सबसे ज्यादा important है और जो primary focus होगा हमारा that is about language अब जब कभी हम language की बात करते हैं language is always used whenever we want to Communicate, convey our message to the other person. Now, this message can be in the form of written words, in the form of spoken words, or in the form of body gestures. Now, what is basically a communication? Communication actually means आपके माइंड में कोई मैसेज है आप चाहते हैं कि आप अपना मैसेज अगले बंदे तक कन्वे करें तो आप क्या करते हैं आपके माइंड में जो मैसेज है आप उसको एक कोडिंग दे देते हैं ठीक है और आप सेंडर हैं आपके मैसेज को आप कोडिंग दे देते हैं कोडिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स अच्छा अब वो कोडेड वर्ड्स जो हैं वो पहुंचते हैं रिसीवर के पास अब रिसीवर क्या करेगा रिसीवर आप के कोडेड वर्ड्स की डिकोडिंग करेगा तो जब वो उसको सक्सेसफुली डिकोड कर लेगा इट मींस आपका मैसेज ना सिर्फ उस तक पहुंचा बल्कि उसने कंप्रीहेंड भी कर लिया उसे समझ भी आ गई इसलिए एक जरूरी चीज ध्यान में रखें कि आप जब कभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे आपने रिसीवर को माइंड में रखना है ठीक है द रीजन इज के जब तक रिसीवर आपके मैसेज को डिकोड नहीं करेगा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी ये बताने का रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो राइटिंग की तरफ आते हैं वो कोशिश करते हैं कि बड़े फ्लावरी एक्सप्रेशन यूज़ करें बड़े डोनेश या जी आर वर्ड्स क्रैम किए हुए वर्ड्स यूज़ करें ठीक है तो मेन पर्पज़ शुड बी सक्सेसफुल कन्वेन्स ऑफ योर मैसेज और आपने कोशिश करना है कि अपने मैसेज को जितनी आसानी से रिसीवर तक पहुंचा सके आपका कम्युनिकेशन उतना ही सक्सेसफुल होगा अब हम बात करते हैं कोडिंग की तरफ कि जब कभी सेंडर अपने मैसेज को कोडिंग की फॉर्म में लिखता है ये जनरली राइट सेंटेंसेस स्पीक्स सेंटेंसेस और इन द फॉर्म ऑफ सम बॉडी जेस्टर्स अब जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं सेंटेंसेस में आपने दो चीजें माइंड में रखनी हैं। द फर्स्ट वन इज समथिंग व्हाट वी नो एज सिमेंटिक्स राइट एंड सीमेंटिक्स इज वर्ड्स द सेकेंड थिंग इज सिंटेक्स एंड सिंटेक्स इज सेंस यानी आपने क्या करना है आपने जब एक बात करनी है तो आपने वर्ड्स की सलेक्शन करनी है ठीक है प्रॉपर वर्ड्स अप्रोप्रिएट वर्ड्स और वो क्या होंगे सिमेंटिक्स इट मींस वर्ड्स की सिलेक्शन। अब सिर्फ वर्ड्स की सलेक्शन करना ही काफी नहीं है बल्कि उन वर्ड्स को किस सीक्वेंस में किस ऑर्डर में लिखना है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और हम उसे कहते हैं सिंटेक्स जैसे आपने सुना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में तो इसलिए हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो होगा इसमें हम दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलेंगे इट मींस कि हमारा फोकस सिमेंटिक्स पर भी होगा मगर उसके साथ साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा सिंटेक्स पर होगा ठीक है यानी आपने अगर कोई बात करनी है तो आपने मैसेज कैसे कन्वे करना है वर्ड्स की सिलेक्शन और उनका अप्रोप्रिएट यूज़ और एक और चीज ध्यान में रखें जब कभी हम बात करते हैं सिंटेक्स की आपने एक वर्ड काफी सुना होगा ग्रामर ठीक है ग्रामर एक्चुअली मीन्स द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो हमारा फोकस किस चीज पे होगा सिंटेक्स पे होगा एंड ऑब्वियसली आपने जब अपना मैसेज कन्वे करना है तो आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स की सिलेक्शन भी करनी है राइट नाउ दिस वाज आर इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि लैंग्वेज uh, क्या है कम्युनिकेशन क्या है और आपने अगर अपना मैसेज किसी तक कन्वे करना है तो उसके लिए आपने किस तरह वोकेबलरी यूज करनी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके साथ साथ हमने एक बहुत जरूरी चीज पढ़ी कि जब कभी हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में जब कभी हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हमारा फोकस होगा ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग द रीजन इज दे स्ट्रिक्टली स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर एंड दे आर क्वाइट फॉर्मल इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज तो ये एक स्ट्रक्चर है और लाइक आई टोल्ड यू कि हमारा लेक्चर काफ़ी डिफरेंट होगा इट विल नॉट बी अ कन्वेंशनल वन इट विल बी अ मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल वन कि जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम उससे रिलेटेड जो एम हैं वो सॉल्व करेंगे ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप फिर उसे प्रैक्टिकली सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आपने पढ़ा क्या आपके कंसेप्ट कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर थे या नहीं थे सो ऑल यू नीड टू डू इज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल उसके साथ आपको एक बेल आइकन नजर आएगा आप उसे भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें और एक और काम जो मैं करूंगा वो ये होगा कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलेंगे इट मीन्स पहला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर वन टू इट मीन्स उनकी प्रॉपर ऑर्डरिंग होगी सीक्वेंस में लेके चलेंगे ताकि अगर बाद में भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसको समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो इसके बावजूद आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर थ्योरीज एंड अदर रिलेटेड मैटर्स Thank you very much. See you soon. Allah hafiz.